राधे राधे गाइस। तो गाइस आज हम जा रहे हैं गोकुल धाम, जहाँ पर कृष्ण जी ने अपना मतलब जहाँ पे कृष्ण जी बड़े हुए, बचपन गुजारा वहाँ पे, गलियों में भागे दौड़े, माखन चुराया। तो आज वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे दर्शन करेंगे उनके खुद के घर के, नंद धाम बोलते हैं उनको। आपको भी कराएंगे दर्शन वहाँ पे यमुना जी के, जहाँ से वासुदेव जी उनको लेके आए थे। तो अभी चलते हैं, अभी वहाँ जाके आपको मिलेंगे और प्रॉपर पूरे एकदम बढ़िया दर्शन कराएंगे आपको। तो गाइस ये है वो ब्रिज जो इधर से उधर गोकुल को, मथुरा से गोकुल को कनेक्ट करता है। गाइस यमुना से ऊपर से होके जा रहा है ये ब्रिज, यहाँ से पूरा पैक्ड है वरना ये दिख जाता। तो बस इसको जैसे ही क्रॉस करेंगे तो कृष्ण जी के घर पहुंच जाएंगे अभी हम लोग। जिसमें अभी जाने वाले, वहाँ जन्म हुआ था योग माया का, कृष्ण की बड़ी बहन। आप लोग इस गाँव को जल्दी जल्दी में क्या बोलते हैं, गोकुल? उसका शुद्ध नाम है ना वो क्या, गोकुल, गोकुल मतलब की गौ का कुल। जन्म हुआ था कृष्ण का, तो नंदबा ने कृष्ण के बधाई के अवसर में गोकुल में 9.5 लाख गौ दान किया, तभी जिस गांव का नाम क्या पड़ गया, गोकुल। बोली गौ माता की, सनातन धर्म की। ये आप लोग गौशाला देख रहे हैं ना, इसका क्या नाम है, गोपाल गौशाला। ऐसी गोकुल में 3 गौशाला है, 2 गोकुल के अंदर है, गोकुल के बाहर है। जो नंदबा ने 9.5 लाख गौ दान किया ना, इन्हीं गौशाला में किया। बोली यशोदा माता की जय। आप लोग ये पीछे मंदिर देख रहे हैं ना, इसका क्या नाम है, मीराबाई भजन आश्रम। क्या नाम है, मीराबाई भजन आश्रम। पहला पूरा गांव क्या था ना, पंडा बजाई लोगों का था, जगह जगह दान मांगते थे, किसी जगह 50, किसी जगह 100, पर अब गोकुल में ऐसा कुछ नहीं है, एक जगह दान है, बाकी सब जगह हाथ जोड़ना। बोलो बाल कृष्ण जी जय। द्वारका अधीश की सब लोग पहले 3 बार ताली बजाओ, राधेश श्याम राधेश श्याम राधेश श्याम। गोकुल हंसी खुशी का जगह, गोकुल में हंसते हैं तो घर समाज में हंसते रहते हैं। गोकुल क्या बोला गया, आनंद की जगह बोला गया। अभी आप लोग स्थान पे खड़े हैं ना, जगह पे खड़े हो, उसको क्या कहते हैं, राज चौक कहते हैं। आप लोग जो जन्माष्टमी का स्थान देखते हो, मटकी फोड़ने का अपनी टीवी स्क्रीन पे देखते हैं ना, वो यहीं से होता है, ऊपर ही मटकी लगाई जाती है। वो आप सामने मंदिर देख रहे हैं, चंद्रावली सखी, कृष्ण और राधा की सखी का मंदिर है। माखन दूध देवी विष्णु आती थी, कृष्ण का मटकी फोड़ के आगे गलियों में हक जाते थे। पर कृष्ण थे ना, उन्होंने गोकुल से 4 धाम बसाया। गोकुल नहीं होता ना तो नहीं 4 धाम होते, नहीं 4 धाम की भूमि होती। यहाँ अपने जूते पर उतार देना है, वो सामने मंदिर है, पहले माथा लगाना है और वैसे टीका लगाना है, इस वाली उंगली से लगाना है, क्योंकि उंगली होती है धर्म की उंगली माना जाता है। हमारे सनातन धर्म में ना कोई शुभ काम करते हैं तो इस वाली उंगली से ही किया जाता है। बोला बाल कृष्ण की द्वारका अधीश की। अभी आप जो उस गली से गए हो ना, उसका क्या नाम है, दान गली। जो कृष्ण ने माखन मिश्री का दान मांगा था, वो उसी गली में से मांगा था, कि ठारी रे गुजरी और देजा मेरा दान, तनक दूध दही के कारण मैंने छोड़ो वैकुंठ धाम। मैं नारायण रहते थे ना लक्ष्मी के साथ में, उन्होंने वो भी छोड़ दिया था, किसके लिए, दूध दही के लिए। ये आप गली देख रहे हैं ना, इसका क्या नाम है, कुंजी गली। क्या नाम है, कुंजी गली। और ये आप गली देख रहे हैं ना, इसका क्या नाम है, माखन छोड़ो। बोलिए माखन छोड़ो वान की आ जाइए। अगर तीरथ के महत्व से आओगे ना तो ऐसा लगेगा प्रभु ने रोम रोम को छुआ। बोलिए यमुना मैया की जय। वासुदेव जी कृष्ण को लेके आए ना यमुना नदी पर, गए ये वही यमुना नदी है। उस तरह गांव देख रहे हैं ना, उसको क्या कहते हैं, कोयला गांव कहते हैं। क्या कहते हैं, कोयला गांव। ना पहली रानी बनी कृष्ण की कौन बनी, यमुना जी, जो उनके पाँव छुए। भले बोला बाल कृष्ण की जय। भगवान धन और संपत्ति हर किसी को देते, पर भक्ति और भावना और प्रभु के लिए समय हर किसी को नहीं। गोकुल में आने का 2 महत्व, सबसे पहला तो क्या, कृष्ण को अपने हाथों से झूला झूला।
संसार में जाओगे ना, मत द्वारका जाओ, कौन है? कृष्ण है। और यहाँ कृष्ण नहीं है, यहाँ कौन है? बाल कृष्ण, छोटा कृष्ण। क्योंकि यहाँ प्रभु को प्रभु नहीं मानता, अपना लाला समझते, क्या समझते हैं? लाला। और दूसरा मैच किया भी कुंज गली में चल के आ रहे, जबकि अपने माता पिता को तीर्थ की यात्रा करा के आ रहे, जिनके हैं उनके भी, जिनके नहीं है उनके भी। कोई व्यक्ति चार धाम नहीं जा सकता अपने माता पिता के साथ में, क्या समय के रहते, ताकत के रहते, पैसे के रहते, ये तीन कारण होते, कोई चौथा कारण नहीं होता। मतलब एक धाम गोकुल में करने से, अपने माता पिता के नाम से झूला झुलाने से, प्रभु को भोग लाने से, तो उस मनुष्य के माता पिता को चार धाम की यात्रा का फल मिलता है। बोलो बाल कृष्ण की। जय जय। आप लोग ये मंदिर देख रहे हैं ना, ये यमुना मैया का मंदिर है, मंदिर है। ये योग माया का मंदिर, जन्म स्थान कृष्ण का जन्म का हुआ मथुरा, कंस की जेल में। वासुदेव जी बल्ला करके कृष्ण को कहाँ छोड़ गए थे? उसी मिनमर में, जिसमें अब अभी जाने वहाँ जन्म। कृष्ण की बड़ी बहन, उनको बल्ला करके वासुदेव जी कहाँ ले गए थे? कंस की जेल में। कंस मानने लगा तो हाथ में छूट के आकाशवाणी हुई कि तू मुझे क्या मारे, तेरे मानने वाला गोकुल में पालना में जुड़। आज वो यहाँ पे कृष्ण का पालना है, और ये योग माया का जन्म स्थान है, जहाँ योग माया का जन्म हुआ था, यहीं से वासुदेव जी बदला करके लेके गए थे। मुंबई, अमेरिका, लंदन, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, सब जगह से लोग आए, क्योंकि क्योंकि स्वरूप है ना, कौन है? बाल स्वरूप, इसका खेलने का मन होता है, खुद ही बुला लेता है। यमुना नदी पास गोकुल में कृष्ण नहीं मिला, गोकुल में कौन मिला है? बाल कृष्ण, लड्डू गोपाल। झूला झुलाओ ना तो लड्डू गोपाल समझ के हो जाए। जो पुरुष लोग आते हैं वो किसके बाप से जुलाते हैं? नंद बाप से। और जो महिला आती है ना वो किसके बाप से जुलाती है? माता यशोदा के बाप से। और प्रभु समझ के मत जलाना, अपना लाला समझ के। क्या समझ के लाला? तो गाइस हमने भी कर लिए हैं दर्शन गोकुल धाम के, बहुत 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 मज़ा आया, बहुत आनंद आया हमें जाके। और अभी हम यहाँ से जाएंगे जन्मभूमि, जहाँ पे कृष्ण जी पैदा हुए थे, कंस के वो जेल में, जहाँ पे है ना। चले अभी निकले, लेट भी हो रहा है ना, तो गाइस वहाँ जाके मिलते हैं, वहाँ के दर्शन कराएंगे आप। तो गाइज अयोध्या में आपको जैसा कि पता होगा राम मंदिर और मस्जिद पे जो केस चल रहा था, उसी टाइप का यहाँ पर भी केस चल रहा है कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर। उसी वजह से ना अंदर कैमराज वगैरह अलाउड है नहीं ले जाने के लिए, और हम इसलिए आपको दिखा नहीं पाए हैं सारी चीज़ें अंदर की, मंदिर कैसा दिखता है। तो गाइज अभी हम पहुँच चुके हैं फाइनली कृष्ण जी के जन्मभूमि पर। ये पीछे वही है देखो, जिसको जेल भी बोला जाता है, उसको जेल बोला जाता है, यहीं पर उनका जन्म हुआ था, और यहीं से वासुदेव जी उनको लेके गए थे गोकुल। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं। पर मेरे को लगता नहीं, हमें पता किया अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान, वीडियो कैमरा सब अलाउड नहीं है। अगर अलाउड नहीं होगा तो बाहर रख के जाएंगे, अगर होगा तो अंदर वीडियो बनाएंगे, नहीं तो बाहर आके फिर दोबारा आपसे मिलते हैं अंदर दर्शन करके आते, ठीक है? तो भाई वही बात हुई, हमें ये सब कुछ अभी जो वो है इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल वगैरह जमा कराना पड़ेगा, वो पीछे बना हुआ है लोकर रूम, यहाँ पर जमा कराना पड़ेगा। अंदर अलाउड ही नहीं है वीडियो बिल्कुल भी, मेरे को पता नहीं क्यों, ये मेरे को नहीं पता, पर अभी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो चले चलते हैं। 3 hours later. तो गाइस फाइनली हमने मंदिर के दर्शन कर लिए और कृष्ण जी की जन्मभूमि भी देख ली, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा थक गए धूप में। भैया बताओ क्या क्या हुआ? अरे बहुत बहुत धूप है भाई, बहुत गर्मी है, पैर जल गए भाई। पर मज़ा आया, दर्शन हुए, भीड़ बहुत है, आप देख रहे हो पीछे हर जगह पे भीड़ है भाई मथुरा में, हर जगह पर दर्शन हो गए, बढ़िया हुआ। और गाइस जन्मभूमि के दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं गोवर्धन पर्वत जी के दर्शन करने के लिए, तो चलो आपको वो भी दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गोवर्धन टेंपल पे, आप सब देख सकते हो मेरे पीछे गोवर्धन टेंपल, और यहाँ पर आप परिक्रमा भी कर सकते हो, वो भी आपको दिखाते हैं कहाँ कैसे करने हैं आपको। अगर वीडियोज अलाउड होंगी बनानी तो हम बना लेंगे, बाकी का जो भी होगा आपको हिसाब किताब आके बताते हैं, फिर चलो चलते हैं।
तो गाइस देखा आपने जैसे कि हमने अभी गोवर्धन टेंपल के दर्शन कर लिए यहाँ पर, और अगर आप चाहो तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी होती है, यहाँ पर से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर लोग अपने माथा टेक के आगे से जाते हैं। अगर आपको पैदल जाना है तो आप पैदल भी परिक्रमा कर सकते हो, वरना यहाँ पर टुक टुक भी है, आप टुक टुक लेकर भी परिक्रमा कर सकते हो। टुक टुक लेकर अगर आप परिक्रमा करोगे तो एटलीस्ट अराउंड 1.5 आवर या फिर 1 आवर तो लगेगा ही आपको परिक्रमा करने के लिए। तो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर से परिक्रमा भी कर लेना। थक गए थे हम लोग तो हमने सोचा थोड़ा खा लेते हैं खाना, तो अभी हमने करी है ऑर्डर यहाँ पे आलू पूरी, हमारी सब्जी आ गई है, आलू पूरी आनी बाकी है, फिर वो खाते हैं, थोड़ा सा पेट भर जाएगा फिर निकलते हैं। हमें जाना है कहाँ पे अभी भाई? होटल रूम में। वो वहां से ले ले कहीं से उधर से। हाँ वो लेने गया तो उसको रोक दे तो दे दे ले 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 ले। महाराज जी वैसे ही ले लिया करो चीजें। हाँ इन्होंने 50 रुपए दे दो, 50 रुपए दे भाई साहब। गुड्डू की ऐनक ले ली थी भैया, भैया गुड्डू की ऐनक ही छीन के ले गए। वो देखो बंदर सेना हमारी, फ्रूटी लेके छोड़ा है, फ्रूटी लेके अरे भाई हाथ चश्मा मत करो, मेरी तो ठस्सी हो गई थी। मैंने भी चश्मा उतार दिया भैया, धुंधला हो गया। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि मेरे साथ में क्या हुआ, तो इसी वजह से है ना सब लोगों ने हमें प्रिकॉशन दिया कि फोन और चश्मे मत निकालो जब तक आप निधिवन में एंटर नहीं कर जाते। पता लगा अगली बार लेकर गए और वापस मिले ही ना, तो इसीलिए निधिवन एंटर करने के बाद ही हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी। तो गाइस अभी हम घूम रहे हैं निधिवन, निधिवन में आए गाइस अभी हम। तो गाइज यहाँ पर है ना एक पंडित जी थे जिन्होंने ना निधिवन की पूरी हिस्ट्री हमें बताई, सारी स्टोरी सुनाई, तो ये लो अब आप भी सुनो और आप भी इंजॉय करो जरा। यहाँ सभी जगह से अपना ध्यान हटाके माता पिता गुरु, माता जी ने जन्म दिया, पिताजी ने पालन किया और गुरु जी ने ज्ञान दिया, आज इन्हीं की कृपा से आपका संसार में भ्रमण। तो इन तीन नीतियों का पालन करना, ठाकुर जी के श्री चरणों का ध्यान से। तो पंडित जी अपने श्री मुख से रिपीट करेंगे वही वर्ड आपसे रिपीट करने और प्रेम से रिपीट वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय राधा रानी की, राधा रानी की जय, जय अष्ट सखी की, अष्ट सखी की जय, जय। कहते हैं वृंदावन में आके हंसता है उसका घर बसता है, और वृंदावन में आके रोता है तो अपने दोनों नैना खोता है। तो एक बार ताली बजाओ और बड़े प्रेम से भगवान को हंस के दो। वेरी गुड भैया। कहते हैं कृष्ण पक्ष की अष्टमी अद्री रात्रि बुधवार, कारागृह में कंस के भयो कृष्ण अवतार। भगवान के जो पिता थे नंद बाबा नंद राय जी, उनके घर के अंदर में रहती थी 9 लाख गैया। 9 लाख गैयाओं को लेकर के भगवान श्री कृष्ण इस भूमि पे आए। कहते हैं भोर भये गैयन के पाछे मधुबन मोए पठायो, चार पहर वंशीवट भटक्यो साज परे घर आयो, और मैया मोरी मैं निधिवन खायो। तो भगवान को यहाँ से एक अलौकिक सुगंधित महक आयो पर ठाकुर जी कहते हैं ये काय की महक। भगवान ने नजर उठा करके देखा तो तुलसी के पौधे अधिक मात्रा में उत्पन्न दिखाई दिए, तो भगवान ने इसी हिसाब से भूमि का नाम रखा वृंदावन। वृंदा माने तुलसी और वन माने जंगल। भगवान की जय। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम। वो जिधर से हाथ डाल के ले गए चार पत्ते जी कर रहा है सर। आप कोई भी पौधा लगाते हैं, हाँ जी, आम का नीम का पीपल का बरगद का, तो वो शिंगल पौधा ही उत्पन्न होता है। इन वृक्षों में भैया आप विशेष बात क्या देखेंगे कि हमेशा जुगल जोड़ी से होते हैं। ओके। कहते हैं राधा कृष्ण स्नेही और एक प्राण दो देही। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जो है वो एक है, उनके प्राण और अंग जो है वो अलग अलग है, वो आपको इन वृक्षों में देखने के लिए प्राप्त होता है। राधा में कृष्ण और कृष्ण में राधा,
कोई भी पौधा वन के अंदर में सिंगल उत्पन्न आपको दिखाई नहीं देगा। सभी राधा कृष्ण के जोड़े से पूजे जाते हैं। प्रेम से बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। तो यहाँ रास करते करते जो राधा रानी की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी उनका नाम था ललिता और विशाखा, जो 16,108 गोपियों के ऊपर में रहा करते। तो यहाँ रास करते करते उनको प्यास लगी। ललिता जी उन्होंने बोला राधा रानी से कि हे श्यामा जी मुझको प्यास लगी है जल पियो। राधा रानी ने बोला भगवान श्री कृष्ण से कि हे श्याम सुंदर मेरी अष्ट सखी ललिता को प्यास लगी है भगवान इनको जल पियो। भगवान ने बोला 200 मीटर आगे जाइए यमुना नदी बहती है वहां जाके जल पी। राधा रानी भगवान से कहती हैं कि हे कृष्ण हे गोपाल जैसे उस विषैले जल को पी के आपकी गैया मूर्छित होकर गिर जाती हैं ऐसे ही मेरी सखी मारी जाएगी। तो क्रोध में आकर के भगवान श्री कृष्ण ने इस भूमि पर बांसुरी फेंकी। यहाँ से जल उत्पन्न हुआ सभी सखियों ने जल पिया। जब से इस भूमि का नाम हुआ ललिता कुंड। ललिता कुंड जी एक बार प्रेम से बोलेंगे ललिता महारानी की जय। वृंदावन में आके हंसता है उसका घर बसता है। कांसेन वेरी गुड सर। कांसेन जी हुआ करते थे भैया संगीत के सम्राट। उनके जो गुरु थे वो थे स्वामी श्री हरिदास जी जो ये फर्स्ट स्थान आपको हम दर्शन कराएंगे। इस स्थान पर वो बैठ करके तपस्या किया करते थे। क्या थी वो तपस्या? राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे। तो उन्होंने अपनी तपस्या के बल से यहाँ से दो मूर्तियों को प्रकट किया। एक तो की मांखे बिहारी जिसको लेके गए कलकत्ता के सेठ राधे श्याम बेरी। कहते हैं जहाना पहुंचे बुग्गी गाड़ी वहां पे पहुंचे मारवाड़ी। वो एक मारवाड़ी बनिया थे उनकी यहाँ पुत्र कामना पूर्ण हुई तो उन्होंने जयपुर का पत्थर लगाया मंदिर के अंदर और वास्तुकला से निर्मित पूरा टेंपल बनाया। दूसरी मूर्ति प्रकट की वृंदावन बिहारी जिनके नाम से पूरा नगर जाना जाता है। 5,500 मंदिर और 384 गलियों के राजा है वो। आप लोग कभी भागवत कथाएं सुनते हो तो आज भी व्यास जी उसमें बोलते हैं प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो हम आपको इस वन के बाहर जो मुख्य मंदिर का दर्शन कराएंगे वृंदावन बिहारी का वो मूर्ति यहीं से प्रकट हो गई प्रेम से बोलो स्वामी हरिदास जी महाराज की। आप लोग 5 पॉइंटों पे ट्रस्ट की तरफ से 5 पुजारी जी। ये आपका सेकंड स्थान है। इस स्थान पर आज भी पुजारी जी ठाकुर जी की सेवा पूजा नहीं करते। पुजारी जी क्या करते हैं? भगवान के लिए एक लोटे में जल एक दातुन एक लड्डू एक पान का बीड़ा रख करके जाते हैं। राधा रानी के लिए सोला श्रृंगार चूड़ियां वस्त्र इत्यादि पुजारी जी रखते हैं। कहते हैं जो करावे मंगला और कभी नहीं होता है वो कंगला। तो 5 बजे मंगला आरती करने के लिए जैसी आके पट खोलते हैं तो सामने में क्या देखते हैं? लोटे में से जल गायब है दातुन जो है वो चबी हुई है लड्डू का भगवान बालभोग कर लेते हैं और पान का बीड़ा चबा करके बैठे रहते हैं। राधा रानी का सोलह श्रृंगार चूड़ियां वस्त्र इत्यादि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को सजाते हैं और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को सजाती हैं। तो आज भी इस स्थान पर पुजारी जी ठाकुर जी की सेवा पूजा नहीं करते स्वयं ठाकुर ठाकुरानी की और ठाकुरानी ठाकुर की करते। प्रेम से बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। तो गाइस वीडियो बनाना तो अलाउड नहीं था तो हम जितना ले पाए उतनी वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ आपको देखो। चंदन का बेटा भैया जब भगवान आकर विश्राम करते हैं सुबह पुजारी जी जैसे ही। तो गाइस अब पंडित जी बताएंगे कि पूरा निधिवन ऐसे कवर क्यों करके रखा हुआ है और सारी आसपास की बिल्डिंग्स है जो उनकी विंडोज ब्लैक क्यों है उसका कारण बताएंगे वो। संत वैष्णव भगवान का भजन करते हैं तो मन के अंदर में घबराहट रहती है कि भगवान आज भी हमारी दृष्टि इस भूमि पे ना पड़ जाए। जो भी इधर देखता है सूर्य अस्त होने के बाद में जाने अनजाने में वो क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। इसी कारणवश सभी साधु संत वैष्णवों के कुंजों में आप देखेंगे ब्लैक कलर के कांच लगे। भगवान आज भी हमारी दृष्टि इस भूमि पे ना पड़े। जो भी हमको दिखे सिर्फ काला ही दिखे और नजर ना। पहला धाम जगन्नाथ उड़ीसा, दूसरा धाम द्वारिका जो गुजरात में, तीसरा धाम रामेश्वरम जो साउथ में और चौथा धाम बद्रीनाथ जो आपके उत्तराखंड। ये हमारे भारत वर्ष के अंदर में 4 धाम पड़ते हैं जो अलग अलग स्टेटों में पड़ते हैं। कोई 4 धाम यात्रा को नहीं जा सकता और वृंदावन आ जाता है तो उनको 4 धाम 84 को उसके माता पिता का पुण्यफल इस भूमि से प्राप्त होता है। ये ट्री ये वृक्ष जो आप देखते हैं इन वृक्षों के बारे में कहा गया कि एक पेड़ वृंदावन लाग्यो जब डाल गई जगन्नाथ फूलन फूले द्वारिका फले लाग्यो बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से यहाँ दर्शन करने कौन आया? शंकर भगवान। कहते हैं वस्त्र खाल बागांबर सोहे और छवि को देख नाग मन में। वो हमेशा जो है शेर की खाल का ही वस्त्र धारण करते हैं और कोई दूसरा वस्त्र धारण नहीं करते।
तो उनको भी यहाँ भगवान श्री कृष्ण का महाराज का दर्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने पूछा किनसे, जो सृष्टि के रचयिता है वो कौन है, वो है ब्रह्मा जी। कि भगवान ऐसा क्या कारण जो मुझको यहाँ ठाकुर का दर्शन नहीं हो पा रहा है। तो ब्रह्मा जी ने उनको बतलाया समझाया कि जिस भूमि पे आज आप खड़े हुए हैं ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, अगर यहाँ कोई ग्वाल है तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, और तो सभी को गोपी के भाव से पूजा जाता है। तो शंकर भगवान को इस स्थान पर आने के बाद में अर्धनागेश्वर मतलब आधा स्त्री और आधा पुरुष बनना पड़ा, जब जाके भगवान श्री कृष्ण का महाराज का दर्शन उनको देखने के लिए प्राप्त हुआ, जो गोपेश्वर महादेव के नाम से वर्ल्ड के अंदर में प्रसिद्ध। साल में एक दिन कब, शिवरात्रि पर लोग जाते हैं, कोई कावड़ लेके जाता है, कोई गंगा जल लेके जाता है। कहाँ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं। हम अपनी कावड़ चढ़ा देते हैं या अपना गंगा जल चढ़ा देते हैं तो यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। आप लोगों को अपने मन के अंदर में यहाँ से रखना है गोपी का भाव। किसका भाव, गोपी। आगे आपको मुख्यमंत्री का दर्शन करेंगे, गोपी के देखा तू बोला था ना कि घर बने हुए हैं, ये वो खिड़की काली रख रखी है लोगों ने, नहीं तो देखते ही नहीं। ये उन लोगों की समाधियां हैं जिन्होंने भगवान को छिपके देखने की, छिपके देखने की। साउथ के सेठ थे लक्ष्मीचंद जैन, व्यापार करते थे हीरा मोती सोना चांदी का, घर के अंदर में कोई संतान नहीं थी तो माइंड से अपसेट रहा करते थे। वृंदावन धाम दर्शन के लिए आए और आज भी भगवान इस भूमि पे आते हैं, मन में विश्वास नहीं हुआ। प्रबंधक जी ने बतलाया समझाया, सेठ जी सूर्य अस्त होने के बाद में मन में जो भी जाता है वो अंधा हो जाता है। सेठ जी ने उनकी बात नहीं मानी, सेठ जी थोड़े विद्वान भी थे, पूरा कागज निकाला और कुछ नहीं, मैं अपनी जान की जिम्मेदारी स्वयं लेता। तो प्रबंधक जी को दया आ गई, उन्होंने बोला सेठ जी आप तो किसी भी प्रकार से नहीं मानना है तो लाइए पूरा कागज मुझको दे। तो स्टाम्प उनसे ले लिया और उनकी एंट्री करा दी, जहाँ अभी आप लोगों ने राधा कृष्ण मूर्ति का दर्शन किया और चित्रपट में खड़े हो। 5 बजे मंगला आरती करने के लिए जैसे ही पुजारी को पहुंचे तो क्या देखते हैं, विशेष लक्ष्मीचंद जैन की बॉडी पड़ी हुई। आज भी ठाकुर जी के श्री चरणों में वैकुंठ के अंदर समाधि, साक्षात भगवान का दर्शन किया वैकुंठ की स्थापना। बोलो बाल भैया, ये नीचे पड़ी है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भैया जी मिट्टी सभी जगह, पर आप जिस धाम में आए हुए हैं इसको बोलते हैं ब्रज मंडल। ये क्या है, भगवान का हृदय स्थल। तो यहाँ एक से एक बैरागी साधु संत और एक से एक ज्ञानी पुरुषों की ये भूमि है, उन्होंने इनका नाम रखा मुक्ति, जो एक ना एक दिन हम सभी को इन्हीं में जाके मिलना होता है। जब हमको क्या मिल पाती है, मुक्ति। तो ये भगवान से कहती हैं कि भगवान मैंने सबको मुक्त किया पर मुझको मुक्त कौन करेगा। भगवान इनसे कहते हैं जे मुक्ति कहे गोपाल सो, मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, तू मुक्त मुक्त हो जाए। भगवान ने कही है जो मेरे साधु संत भक्तगण आएंगे और जाके तू उड़ मस्तक लगेगी तो तू स्वयं ही मुक्त हो जाए। तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी ब्रज रज आप लोगों को अपने श्री मस्तक से लगा दी। पकड़ लिए इसको, शिवे सर्वाधिक।
बड़े प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, अष्ट सखी की जय, वृंदावन धाम की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय। बोलो हे प्रभु हम आपके आपके श्री धाम वृंदावन में आकर बड़े प्रसन्न हुए बड़े खुश हुए हमको ऐसे ही बारंबार बुलाते रहना अपने चरणों की भक्ति प्रदान करना आपकी सदा ही जय जयकार हो हाथ उठा के बोलेंगे राधे। झूमरों का आपने देखे होंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लगे रहते हैं झूमर। ये जो आप लाइटिंग देखते हैं ये फब्बारे हैं सर, राधा कृष्ण की मूर्ति इसमें बनती है। अच्छा जी, आज से 250 वर्ष पहले इटली से लेके आए थे सीढ़ी, ठीक, जब ही उन्होंने लगाई थी। ये आप देखेंगे राइट साइड में टाइगर बना हुआ है, दिखा आपको? हाँ, वो बिल्कुल लगा हुआ था। हाँ, टाइगर के नीचे ग्रीन कलर का दरवाजा है सर, ठीक। ग्रीन कलर के दरवाजे में आज भी 1,00,000 रुपए से लेके और करोड़ों अरबों रुपए तक के जो झूमर होते हैं ना उनका दर्शन कराया जाता है सावन के महीने में, जब पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं। तो मतलब ये सावन में ही खुलता है सिर्फ? हाँ, तीन दिन, वो भी पूरे साल में तीन दिन। ऐसे 7 दरवाजे हैं मंदिर के अंदर में, ये देखिए प्राचीन जो बने हुए हैं। उत्तर भारत का बहुत बड़ा मंदिर है ये। फोटो खींच लें। गौ माता बैठी गुड्डू, गौ माता बैठी, हटेगा गौ माता में बैठ गया आगे। जय भी जय हो, जय हो, जय। क्या नाम है? बंसी वट। यहीं बैठ के भगवान श्री कृष्ण ने गैयाओं को बुलाया बंसी बजा। ओके जी, एक बार प्रेम से बोलेंगे मोर मुकुट बंसी वाले की जय, राधा रानी की जय, वृंदावन धाम की जय। पुराना बंसी वट का तो गाइज ये थे हमारे मथुरा धाम के दर्शन जो हमने करे और हमने व्लॉग के द्वारा आप सबको दिखाया कि क्या क्या है यहाँ पर। तो गाइज आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? आप भी आओ और यहाँ पर आके दर्शन करो मथुरा धाम के, एक बार तो मस्ट है यहाँ पर आना। एंड अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आया, एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नहीं कराए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। जय श्री राम।